अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात से वाफ़िद से एक मेरे पास एक वीडियो आई है, आप लोगों को सुनना चाहूँगा। मेरे सामने यहाँ पर एक वीडियो है, उसे देखिए। इस बंदे ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। इंसान मरने के बाद कुछ नहीं लेके जाता, एक कफन के अलावा और दूसरा आमाल। आप पहले इस वीडियो को देखें, फिर बात करें। कर्मों का हिसाब तो देना ही है, ऊपर जाके तो देना ही है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब दुनिया में भी हो जाता है। एक बहुत अमीर और जमींदार आदमी था, जब उसकी डेथ हुई, जब वो दुनिया से गया, जब उसका जनाजा निकल रहा था, तब एक पीछे से आदमी चिल्लाता हुआ आ रहा था। लोगों ने सोचा शायद वो उसको देखना चाहता है, उसको उसका फेस देखना चाहता है। लोगों ने उसका जनाजा नीचे उतारा और जब कफन उसके चेहरे से हटाया ना, उसने बोला, साहब जा रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो? वो ज़मीन जो आपने मुझसे छीनी थी, उसके पेपर लेकर जा रहे हो या ज़मीन ही लेकर जा रहे हो? उसके बेटे और तमाम दुनिया ये सब नज़ारा देख रही थी। सोचो ना कितना दर्दनाक मंजर होगा जब हम दुनिया से जा रहे हैं और किसी ने हमें ऐसे रोक लिया कि किसी का हक मार के जा रहे हैं, किसी का दिल दुखा के जा रहे हैं, किसी का घर उजाड़ के जा रहे हैं। हिसाब तो देना है। हम एक पाई का भी हिसाब ऊपर जाके नहीं दे सकते यार। जनाजा तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम दुनिया से जाएं तो कोई गरीब यतीम ये रोकर कहे कि आज हमारा सहारा चला गया, हमारा साथ देने वाला चला गया, हमारे दुख बांटने वाला चला गया। और जब गरीबों की यतीमों की दुआएं लगती है ना, तो अगर आप जिंदा हों या दुनिया से चले गए हों, दोनों जगह आपकी कामयाबी होती है। आप सभी हजरतों ने ये वीडियो तो देख ली है, और गरीबों की मदद का लोग भी दुआ करो कि अल्लाह हमें भी तौफीक दे गरीबों की मदद करने को। किसी गरीब को मत सता करो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इससे भी अच्छे अच्छे बेहतर